तो ये वाला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में, तो ये कहता है कि इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टर है, कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए सोर्स ऑफ वोल्टेज। ये वाली जो वोल्टेज है वो दिया हुआ है, अगर इसको वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी से कंपेयर करोगे, तो यहाँ से जो ओमेगा या 2 पाई अगर फ्रीक्वेंसी यूज होगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 314, और यहाँ से एल दिया हुआ है 20 मिली हेनरी, मतलब 20 × 10⁻³ हेनरी, और यहाँ से सी दिया हुआ है 100 × 10⁻⁶, यहाँ से फेरेड, और रेजिस्टेंस यहाँ से दिया हुआ है 50 ओम। तो यहाँ से ये सारी वैल्यू दी हुई है, तो कहता है पावर लॉस निकालना है। तो पावर लॉस अगर तुम देखोगे यहाँ से, पावर लॉस यहाँ से पावर का अगर पावर पावर लॉस अगर तुम देखोगे यहाँ से पावर लॉस, तो पावर लॉस अगर देखोगे तो पावर जो लॉस है वो आई आर एम एस और बी आर एम एस यहाँ से कॉस पाई के बराबर आता है, तो आई आर एम एस बी आर एम एस यहाँ से कॉस पाई। तो सबसे पहले तुम्हें इस सर्किट का जेड निकालना पड़ेगा यार। तो इस सर्किट का जेड निकालने के लिए मैं जेड जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस यहाँ से एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये है ना, ठीक है, और यहाँ से आर स्क्वायर प्लस एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का यहाँ से होल स्क्वायर, और ये सब कुछ अंडर रूट, ठीक है। तो आर यहाँ से देखो दिया हुआ है, आर कितना है यहाँ से 50 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से तुम देखोगे ओमेगा, ओमेगा यहाँ से 314 है, और एल की वैल्यू यहाँ से कितनी है भाई, 20 × 10⁻¹, तो 20 × 10⁻¹ यहाँ से -3, -1/ओमेगा यहाँ से 314, और सी यहाँ से दिया हुआ 100 और × 10⁻⁶, और इन सब का होल स्क्वायर, और ये सब कुछ अंडर रूट, ये वाली चीज़ दैट इज़ द जेड। तो यहाँ से तुम जेड, ये वाली जो जेड है, तो तुम यहाँ से तुम जेड की जो जेड की वैल्यू है यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली, ये कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, 556.15 ओम आ जाएगा, दिस इज़ द बेसिकली जेड। तो ये यहाँ से पावर, अब पावर हमें निकालना है, तो पावर जो लॉस है तो वो है आई आर एम एस यहाँ से बी आर एम एस और यहाँ से कॉस फाई, ठीक है ना। तो आई आर एम एस को मैं लिख सकता हूँ आई नॉट बाई √2, और बी आर एम एस को मैं लिख सकता हूँ पीक वैल्यू बी नॉट बाई √2, और कॉस फाई मतलब आर ओवर जेड यहाँ से, ठीक ना। तो जब यहाँ से तुम देखोगे ये वाली जो वैल्यू आएगी, तो यहाँ से आई नॉट और वी नॉट यहाँ से √2 और आर ओवर जेड, तो यहाँ से तुम आई नॉट को वी नॉट स्क्वायर यहाँ से लिख सकते हो, और 2 टाइम्स, और यहाँ से ये जेड का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि आई नॉट को मैं वी बाई वी नॉट अपन जेड लिख दिया, ठीक है, और यहाँ से आर, दिस इज द पावर लॉस। अब इसमें तुम्हें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, इस सभी फार्मूले अगर मैं वैल्यू रखूँगा तभी जाके ये क्वेश्चन अब सॉल्व होगा। तो इन सब में वैल्यू अगर रखते हैं तो देखते हैं कुल कितना वैल्यू यहाँ से बनता है। तो अगर मैं यहाँ से एवरेज पावर लॉस रखूँगा तो वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट क्या था, पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज देखो यहाँ पे 10, ये वाली जो वोल्टेज है दिस इज़ पीक वोल्टेज, दिस इज़ द पीक वोल्टेज 10, तो पीक वोल्टेज यहाँ से तुम, हाँ पीक वोल्टेज 10 × 10, और आर यहाँ से तुम निकाले हो 50, आर यहाँ से कितना था 50 दिया हुआ था, डिवाइडेड बाई यहाँ से 2 और जेड, तो जेड मतलब 56.1 का होल का स्क्वायर। तो ये अब ये भाई सॉल्व करना थोड़ा सा, ये ऊपर बने जाएगा 5000, इधर बनेगा 2 और आ जाएगा 56.1 × 56.1, तो यह आ जाएगा 5000 / यहाँ से 629
4.92, तो पावर लॉस ऑन एन एवरेज जो वैल्यू बजाय 0.79 वाट यहाँ से बनेगी। 0.79 वाट मतलब यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन सही है।